सर्दियों में आंवले बहुत सारे आ रहे हैं, तो आंवले को हमें किसी न किसी तरीके से यूज जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही हेल्थी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ आंवले की ऐसी टेस्टी रेसिपी जो आपको इतनी पसंद आने वाली है और आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम आंवले लिए हैं। आंवले जब भी लें आप इस तरीके के मीडियम वाले आंवले जरूर लीजिए, ज़्यादा छोटे वाले आंवले नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही कसेले होते हैं। तो 250 ग्राम हमने आंवले ले लिए हैं, इसको आज हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे हमने इडली मेकर ले लिया है, इसी में आंवले को स्टीम करेंगे। तो एक गिलास हमने इसमें पानी डाला है और इसका स्टैंड लगा देंगे और इसी के ऊपर डालेंगे हम आंवले। तो सारे आंवले इसी में डाल देंगे। यदि हम आंवले को पानी में उबालते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो स्टीम करने से इसके सारे पोषक तत्व बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे और ये बहुत ही गुणकारी होंगे। तो ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। और ये देखिए आंवले बहुत ही बढ़िया तरीके से भाप में पक चुके हैं, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और हल्के ठंडे होने के बाद इसकी कलियों को हम निकाल लेंगे और जो बीज है उसको साइड में रख देंगे। अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप यहाँ पे जाली वाली प्लेट भी रखकर स्टीम कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से ये स्टीम हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से आंवले की कलियों को निकाल लिया है और इसके बीज को साइड में रख देंगे। अब इसे हम ठंडा करेंगे। तो ये देखिए ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसे डालेंगे हम मिक्सी के जार में और ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। तो इसमें हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही हम रुक रुक कर इसको अच्छे से पीस लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसको पीसना है। अब पीसे हुए आंवले को हम अच्छे से कढ़ाई में पकाएंगे। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ आंवला। तो आंवले को हमें अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स, आंवले सर्दियों में आते हैं तो आप इसे किसी न किसी तरीके से जरूर खाइए। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवले को खाने से हमारे शरीर में कई फायदे होते हैं। ये आंखों के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए ये बहुत ही फायदा करता है। ये देखिए आंवले को हमने थोड़ी सी देर पका लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम गुड़। 250 ग्राम हमने आंवला लिया था तो उतना ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। तो आंवले में बहुत पानी होता है तो इसी नमी से हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे और गुड़ को और आंवले को हमें अच्छे से पका लेना है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। इसको हम पकाते रहेंगे और एकदम पकाते पकाते बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो आज हम बनाएंगे आंवले की गटागट। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी भी लगता है और इसे आप लंबे समय के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। इस गटागट को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक चम्मच डालेंगे हम भुने जीरे का पाउडर, एक चम्मच डालेंगे हम ड्राई जिंजर पाउडर, ये बहुत ही बढ़िया फायदा करती है तो इसे आप जरूर डालिए। एक चम्मच डालेंगे यहाँ पे हम अमचूर पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम सेंधा नमक, यहाँ पे आप काला नमक भी डाल सकते हो, और आधा चम्मच डालेंगे हम सिंपल वाला जो नमक होता है, बस उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हो और नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो नींबू की जगह हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है, इससे बहुत ही चटपटा सा स्वाद आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। पकाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और ये देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, मतलब ये बैटर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। जब ये ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा होने लगेगा। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे
और इस बैटर को हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाता है तो हाथ में हम इसका थोड़ा सा बैटर ले लेंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे। तो हाथों में ये बैटर चिपक रहा है तो इसमें हम डालेंगे बूरा चीनी। आपके पास अगर बूरा चीनी नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी को पीस कर भी पाउडर बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने बूरा चीनी ले ली है, हाथों में इस तरीके से लगा लेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इस गोली को हम बूरा चीनी से कोट करके निकाल लेंगे और इसे रख देंगे एक प्लेट में। और इसी तरीके से हम दूसरी भी गोली बनाना बताएंगे। तो हाथों में थोड़ा सा बैटर ले लेंगे, ये चिपक रहा है तो चीनी का ही यूज़ करिए। आप इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, अगर पानी का यूज़ करेंगे तो ये लंबे समय के लिए भी नहीं चलेगी और जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से बूरा चीनी को हाथों में लगाकर इसे गोल गोल गोलियां बनाकर तैयार कर लीजिए और इसके बाद इसे बूरा चीनी से कोट कर लीजिए। और ये देखिए सारी गटाकट हमने बनाकर तैयार कर ली है, इसे हम बूरा चीनी से अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसी ये गटाकट बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसे आप कांच के बर्तन में ढक कर रख सकते हो, ये लंबे समय तक चलती है और अगर आप फ्रिज में रखोगे तो ये और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए चलेगी। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए।